आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि फिनॉल होता क्या है। फिनॉल बेंजीन का हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव है। बेंजीन आप सबको मालूम है किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बेंजीन में सभी कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन है। व्हेन वी रिप्लेस दिस हाइड्रोजन विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो देन देयर इज अ फिनॉल। इस तरह से फिनॉल को आप देखते हैं, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। तो जो फिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं वो बहुत सारे डेरिवेटिव हो सकते हैं। फिनॉल में आप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, दिस वन इज ऑर्थो पोजीशन, दिस वन आल्सो ऑर्थो, मेटा मेटा पैरा, आप जो कुछ भी इसमें लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड जो है डेरिवेटिव कंपाउंड बनेगा OHCl। ये है ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। इसी तरह से जो कुछ भी हम लगाते हैं, चाहे यहां पर मेटा लगा NO2 ग्रुप, अगर मेटा पे लगा तो मेटा नाइट्रो कंपाउंड हमारे पास बनेगा NO2 मेटा नाइट्रो फिनॉल। इसी तरह से बन सकता है कंपाउंड हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा क्लोरोफिनॉल, पैरा क्लोरोफिनॉल। IUPAC नोमेनक्लेचर भी इस तरह से होगा। अगर हम नंबरिंग के बेस में करें 1, 2 तो 2 क्लोरोफिनॉल, 1, 2, 3 3 पे NO2 ग्रुप है। ले इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि NO2 को प्रिफर करोगे या OH को, तो उस बेस में इस कंपाउंड का नाम हो सकता है। जैसे हम या लिखे 1, 2, 3 नाइट्रोफिनॉल, या अगर नाइट्रो के बेस में लिखते हैं तो 3 हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से दो अलग अलग तरीके से इसको लिखा जा सकता है। नाउ प्रॉपर्टीज, पहले कुछ प्रॉपर्टीज या पहले प्रिपरेशन आपको बताएंगे हम। प्रॉपर्टीज से पहले प्रिपरेशन में सबसे पहले फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जैसा कि आपको मालूम है बेंजीन में Cl लगा है, तो इसका हम क्या करें, किस तरह की रिएक्शन की जाए कि फिनॉल में ये कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए इसमें NaOH से इसको ट्रीट करना है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड में से Cl को हटाना आसान होता है, लेकिन बेंजीन में अगर ये Cl लगा हुआ है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटैच फ्रॉम द रिंग। क्योंकि अगर हम देखें क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस वगैरह बनाए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इस वजह से CCl बॉन्ड को हटाना यहाँ पर टफ होता है। इस दैट्स व्हाई हियर नीड हाई टी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है, तब जाके ये रिएक्शन होती है। नॉर्मल कंडीशन पे एल्काइल हैलाइड में ये रिएक्शन हो सकती है, बट बेंजीन का अगर क्लोराइड है, फिनाइल क्लोराइड अगर है, तो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होगी, हाई टेम्परेचर, तब जाके पहले बनता है इसमें इस तरह का एक कंपाउंड। क्योंकि यहां पे Cl हट जाएगा, ONa बन जाएगा, ONa। तो ये ONa बना सोडियम फिनॉक्साइड है। बनने के लिए कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए, होगा वही Na प्लस और Cl माइनस, ये निकल करके यहां पर OH लग जाएगा। लेकिन मीडियम बेसिक होने की वजह से जो OH यहां पे लगेगा पहले, वो NaOH की प्रेजेंस में जो है, यानी कि फिनॉल जो बनेगा वो तुरंत जो है NaOH के साथ पर ट्रीट करके वो Na में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसका इसमें एसिड वगैरह से ट्रीट करना होता है। जब आप इसको एसिड से ट्रीट करेंगे तो ये जो Na है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, Na प्लस और Cl नेगेटिव मिल करके आपका NaCl बना देंगे और H यहां लग जाएगा। तो दिस वन इज स्टेबलाइज्ड नाउ इन द फॉर्म ऑफ फिनॉल। ये हो गया एक मेथड तो इस तरह से है। सेम उसी तरह से कुछ और भी मेथड्स हैं। दूसरी मेथड हम लेते हैं फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट।
diazonium salt, second method, from diazonium salt. तो डायजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है पहले ये देखना है हमने होता क्या है डायजोनियम सॉल्ट एज द नेम सेड डाई एजो इट मींस कुछ एजो ग्रुप उसमें होगा तो इसको हम शुरुआत करते हैं एनिलीन से अगर आप एनिलीन को ट्रीट करें एनिलीन का स्ट्रक्चर है बेंजीन पेनेस टू ग्रुप जब हम लगाते हैं तो इसमें यहां पे रिएक्शन होगी नाइट्रस एसिड की रिएक्शन होती है लेकिन नाइट्रस एसिड को डायरेक्ट नहीं लिया जाता है क्योंकि वो एक्सप्लोसिव है इसीलिए मिक्सचर एक लिया जाता है NaNO2 plus HCl और टेम्परेचर हम क्या रखते हैं लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रखेंगे लो टेम्परेचर क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर अगर आप रखते हैं तो एक्सप्लोड होने के चांस है लो टेम्परेचर इज बेस्ट फॉर द रिएक्शन तो जैसे ही आप इस रिएक्शन मिक्सर को एनिलीन के साथ पे ट्रीट करेंगे तो पहले हमें मिलेगा डायजोनियम सॉल्ट वो डायजोनियम सॉल्ट किस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पे एनिलीन ये एन एन टू और ये सीएल भी यहाँ है ये हो गया यानी कि एन टू पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव ये जो कंपाउंड आपके सामने है ये है डायजोनियम क्लोराइड अभी इसको कैसे पूरा लिखा जाएगा वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देखिएगा double bond, this one is benzene, N, triple bond, N, और यहाँ पे वन टू थ्री फोर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करना है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और जो Cl के पास वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और वो जो है Cl नेगेटिव के रूप में आएगा लिखने का तरीका यह है कंडेंस फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं डायजोनियम क्लोराइड को बट इसी को अगर आप स्प्रेड करें कि कैसे इसको लिखा जाएगा इन दोनों के बीच में दो नाइट्रोजन है उसके बीच में कैसा बॉन्ड होगा तो आप ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड में जो नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से लगा हुआ है उस नाइट्रोजन में आप पॉजिटिव लगाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपका सीएल के पास जाएगा और इस तरह का ही कंपाउंड जब इस कंपाउंड को आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसमें वाटर वगैरह मिला देते हैं हाइड्रोलाइसिस अगर इसका करें हम हाइड्रोलाइसिस तो इसमें से एसिड के साथ आप ट्रीट कर सकते हैं वाटर को लेकर के एसिड हाइड्रोलाइसिस जिसको बोलते हैं N2 अलग हो जाएगा और वाटर का जैसे अगर पूरी रिएक्शन को अगर आप देखें वाटर है वाटर में आप देखते हैं एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव है वाटर का जो एच पॉजिटिव है वो सीएल नेगेटिव को इसमें से ले लेगा पूरा N2 अलग हो जाएगा और ये जो OH है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लग जाएगा तो फिनॉल का कंपाउंड फॉर्म करेगा तो दिस वन इज द फाइनल कंपाउंड प्लस साइड प्रोडक्ट्स आर N2 और HCl तो एक बेस्ट मेथड है लेबोरेटरी में आसानी से इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लो टेम्परेचर में इसको यूज किया जा सकता है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट इसी तरह से कुछ और मेथड है थर्ड मेथड From cumene एक कंपाउंड होता है जिसमें कि पहले तो ये बताएं आपको कि cumene होता क्या है जब आप बेंजीन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाते हैं आइसोप्रोपाइल मीन्स देयर आर थ्री कार्बन C ये C हो गए और ये CH3 हो गया ये CH3 हो गया और यहां पे H लगा ये है क्यूमीन क्यूमीन इस क्यूमीन को अगर हम ऑक्सीडाइज करें इट मींस O2 के साथ में अगर इसको रिएक्शन करें तो हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग से जो कार्बन लगा हुआ है उससे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं दीज आर वेरी वेरी रिएक्टिव हाइड्रोजन तो सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आप ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कर रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन है वहीं पर ऑक्सीडेशन की प्रोबेबिलिटी होती है तो इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करें तो कुछ कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा ये हो गया CH3 अपनी जगह बना रहेगा ये जो CH3 है अपनी जगह पर बना रहेगा यहां पर जो सी और एच है इसके बीच में जो है ओ ओ एच आ गया इट मीन्स ऑक्सीजन के दो एटम और ये हाइड्रोजन आकर के इस तरह का तो इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड क्यूमीन
हाइड्रोपरोक्साइड। जब क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बनता है तो उसको लेकर के आगे अगर आप जाएंगे क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड में, तो उसका वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें फिनॉल की पॉसिबिलिटी नजर आएगी। देखिए कैसे क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड में एसिड हाइड्रोक्स वाटर लेकर के और HCl वगैरह भी मिला सकते हैं इसमें, तो यहां पे कहां कहां पे चेंज आता है, जो ये है इतना प्रोडक्ट एक साथ होगा और OH जो है इसके साथ लगेगा, तो ये बन गया हमारा बेंजीन OH प्लस जो इतना कंपाउंड है वो एक साथ आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ये बन गया हमारा एसीटोन एंड दिस वन इज फिनॉल। तो ये थर्ड मेथड है क्यूमीन से फिनॉल को प्रिपेयर करना। इसी तरह से कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अगर हमने बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा। बेंजीन को H2SO4 से ट्रीट करेंगे और एक कंपाउंड फॉर्म होगा जिसको कि हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड को उसके बाद NaOH वगैरह से ट्रीट करेंगे तो सोडियम इथॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करेगा। देख लेते हैं कैसे, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो सबसे पहले लिया जाएगा बेंजीन। बेंजीन पर अगर आप H2SO4 को रिएक्ट कराएं तो हमें मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हो गया SO3H। देन इसके बाद आपको बेस से इसको ट्रीट करना है NaOH, तो कंपाउंड बनेगा ONA यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड, ONA लग जाएगा। फिर ONA के जैसे कि हमें मालूम है आप एसिड से ट्रीट करते हैं इसको तो हमें मिल जाएगा फिनॉल, तो दिस वन इज द फाइनल। तो ये फोर्थ मेथड है, तो ये चार मेथड है हमने आपके सामने रखी। इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में जाएंगे। फिनॉल की जो प्रॉपर्टी है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें प्रॉपर्टीज, ये एसिडिक नेचर का होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर। फिनॉल का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, उसका रीजन है बिकॉज ऑफ इजी डोनेशन ऑफ एस पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इन द फिनॉल, और इवन अगर आप इसको अल्कोहल से कंपेयर करें तो अल्कोहल से भी ये बेटर एसिड है। देख लेते कैसे, अगर आप फिनॉल के मॉलिक्यूल को देखें तो ये जो OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड में O के ऊपर आपके पास में दो लोन पेयर हैं, ये जो लोन पेयर हैं ये बेंजीन रिंग में अल्टरनेट में देखें ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो एक तरह का ये कॉन्जुगेशन है। तो इसमें क्या होता है, लोन पेयर में इसका पार्टिसिपेशन होता है, इस तरह लोन पेयर का पार्टिसिपेशन रेजोनेंस में होता है, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसकी वजह से ये वाला बॉन्ड जो है आपका ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और H पॉजिटिव की डोनेशन की टेंडेंसी जो है बेटर होगी। पहले केवल हम आपको बताते हैं कि इसमें H पॉजिटिव जो निकलता है रेजोनेंस उसके बाद बनाते हैं, H पॉजिटिव इस तरह से आप निकलते हैं, ये नेगेटिव हो गया प्लस H पॉजिटिव और बेंजीन रिंग में अभी हम पूरा डबल बॉन्ड लगा, तो ये है फिनॉक्साइड आयन। जो ये फिनॉक्साइड आयन है ये काफी स्टेबल है ड्यू टू इट्स रेजोनेंस। अगर आप इसके रेजोनेंस बनाएं तो जैसे मैंने यहाँ डिलोकलाइजेशन किया, ये बॉन्ड यहाँ आएगा ये यहाँ आएगा, तो इसके रेजोनेंस देख लेते हैं। फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दैट्स व्हाई दिस वन इज वेरी वेरी स्टेबल, और जब ये स्टेबल है तभी जाके एच पॉजिटिव यहाँ से दिया जाता है और ये बनता है। तो इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ओ नेगेटिव फर्स्ट रेजोनेटिव फॉर्म पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स हियर, ये यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, अ
अब केवल दो लोन पेयर यहाँ पे रहे। दिस वन इज द फर्स्ट रेजोनेंट स्ट्रक्चर, ये आपका एनाइन था, तो जितने भी इसके रेजोनेंस बनेंगे वो एनाइन ही, एनाइन के रेजोनेंस एनाइन, कैटाइन के रेजोनेंस कैटाइन, न्यूट्रल के रेजोनेंस न्यूट्रल। नाउ दिस चार्ज ऑन द रिंग डीलोकलाइज्ड, ये आपका डबल बॉन्ड यहां बनाएगा, देन ये यहां शिफ्ट होगा, दैट इज द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और टू लोन पेयर अपनी जगह बने हुए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये दिस पाई लोन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स हियर और ये पाई बॉन्ड आपका नेक्स्ट कार्बन में शिफ्ट करेगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और आपके सामने बनेगा, वो इस तरह का होगा, डबल बॉन्ड ये हो गया, डबल बॉन्ड ये हो गया और ये हो गया। इस तरह से एक और बन सकता है, क्योंकि जब तक आपका नेगेटिव जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता तब तक इसको आपको डिलोकलाइज करना है। दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर एंड ये यहां आ गया, तो यहां पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। तो ये हैं जो रेजोनेंस आपके बने पांच। इसी तरह से आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं साइमल्टेनियसली। अगर आप देखें रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, जो भी इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं ये सभी को रिप्रेजेंट अगर आपने सिंगल स्ट्रक्चर से करना है तो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से आप बनाएंगे, साइक्लिक रिंग रहेगी, आप देख रहे हैं जितने भी स्ट्रक्चर हैं सभी में डबल बॉन्ड जो है रोटेट कर रहा है, वो सभी जगह पर डबल बॉन्ड रहता है, चाहे कार्बन नंबर 1-2 को देखें, कार्बन नंबर 2-3 देखें, पूरे में कभी कार्बन नंबर 1-2 में है तो कभी नहीं, कभी यहाँ पे नहीं है तो यहाँ है, इस तरह से सभी में डबल बॉन्ड है। तो इसको देखें आप, डीलोकलाइज होगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखिए आप, सिंगल बॉन्ड है, कभी डबल है, डबल है, डबल, कभी सिंगल है, इट मीन सिंगल तो हमेशा है लेकिन बट सम टाइम डबल आल्सो। ओ ओ पे कभी देख रहे हैं आप चार्ज है तो कभी नहीं है, कभी है तो डेल्टा नेगेटिव। ओके, ऑर्थो पोजिशन पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं, तो हर जगह पर आप देखें एक्सेप्ट मेटा पोजीशन पे, तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे जो है नेगेटिव आ रहे हैं, तो दिस वन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो स्ट्रक्चर है फिनोक्साइड आयन के स्टेबलाइज्ड हैं, दैट्स व्हाई जो है फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फिनॉल की, और एसिड नेचर जो है, एसिडिक नेचर जो है वो अल्कोहल से भी ज्यादा है इसका। अल्कोहल से अगर आप कंपेयर करें तो देखिए CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल है, हम देखते हैं कि इथाइल अल्कोहल एसिडिक है क्योंकि आप O और H के बीच की जो पोलैरिटी है वो ऑक्सीजन की तरफ इस बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं, तो H पॉजिटिव आसानी से डोनेट आप कर सकते हैं। बट अगर इसको कंपेयर किया जाए, इसको कंपेयर किया जाए फिनॉल के साथ में, तो फिनॉल में जो पोलैरिटी है OH की वो ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेटिंग फॉर्म, और इस वजह से जो है फिनॉल में OH बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो सकता है बहुत क्विकली, लेकिन इसमें नहीं शिफ्ट होगा। और दूसरा रीजन, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका इफेक्ट होता है प्लस आई, तो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ओ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से OH बॉन्ड ओ की तरफ शिफ्ट नहीं होता है। तो H पॉजिटिव का जो आउट होना है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, जब ये स्लो प्रोसेस होगी तो वो लेस एसिडिक होगा, दैट्स व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ओके, नाउ कुछ रिएक्शंस वगैरह में हम जाएंगे। जो फिनॉल हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देंगे, अधिकतर जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में फिनॉल जो होता है, जो OH ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, न्यूक्लियोफाइल के लिए वो मेटा डायरेक्टर होता है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही ज्यादा देते हैं,